नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की विस्तार से। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्टार प्रचारक राहुल गांधी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी सोनीपत में कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी के पक्ष में चुनावी रैली करेंगे। राहुल के दौरे को लेकर पुलिस ने रैली स्थल को छावनी में तब्दील कर दिया है और साथ में ही कांग्रेस विधायक जयवीर वाल्मीकि ने भी रैली स्थल का जायजा लिया। इस मौके पर विधायक से जब सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। देखिए, हर तरह के लोगों के लिए सुविधा होगी क्योंकि लोगों में इच्छाओ है राहुल जी की बात सुनने की, क्योंकि राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की है, न्याय यात्रा की है, उससे राहुल जी निखर के आए हैं राजनीति में और उसको सुनने के लिए बेताब है लोग। क्योंकि एक तरफ तो चुनाव में सतपाल ब्रह्मचारी जी की जीत के लिए अस्वस्थ है लोग और दूसरा राहुल जी की रैली की, इसमें लाखों की भीड़ यहाँ आएगी, शायद पंडाल भी छोटा पड़ जाए। और रही बात मैं बताता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी की जो रैली थी वहाँ में, उससे दुगने की ही रैली। क्या लगता है हरियाणा में कांग्रेस कितनी सीटें जीत पाएगी? 10 की 10 सीट में जीतने वाली कांग्रेस, क्योंकि मतलब हर आदमी बदलाव चाहता है। और क्यों बदलाव चाहता है कि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासन में हर वर्ग दुखी है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे गरीब आदमी, हर वर्ग दुखी है। ये सिर्फ जात पात के धर्म की राजनीति है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जुंडला में एक जनसभा को संबोधित किया जिसमें उन्होंने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने इस दौरान कहा कि लोगों ने आकलन करना शुरू कर दिया है। एक तरफ घमंडिया गठबंधन के लोग हैं जिनका ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, जिनकी सोच भ्रष्टाचारियों वाली है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिन्होंने देश की जनता के लिए कार्य किए हैं, जो किसान, गरीब और देश के बारे में सोचते हैं और कार्य कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों को हम जीतेंगे। साथ ही सीएम सैनी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को किसी ने पर्चे लिखकर दी है और उन्होंने सिर्फ पर्ची पढ़ ली है। उन्हें यह नहीं पता देश का बजट 40 लाख करोड़ है और वह खटपट कैसे पैसे देने की बात कर रहे हैं। उसका बजट 50 लाख करोड़ है। हर रोज बहुत बड़ा ग्राफ नरेंद्र मोदी जी के प्रति बढ़ रहा है। आज लोग मैं देख रहा हूँ पूरे प्रदेश के अंदर हर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को फॉलो कर रहे हैं और लोग इस बात का आंकलन लगाना शुरू कर दिया है कि दो विचारधाराएं हैं, एक मंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के एफआईआर दर्ज है, उनका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है। इस देश में एक ही व्यक्ति मजबूत है जो देश को लागे विकसित भारत की तरफ ले जाने का मादा रखता है, वो नरेंद्र मोदी है। हरियाणा के अम्बाला के गांव पंजोखरा साहिब में आज हरियाणा के पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज चुनावी कार्यक्रम में पहुंचे। अनिल विज ने कहा कि पंजोखेरा साहिब में सबसे ज्यादा कार्य किए हैं और वह लोगों से मिलने जुलने के लिए गांव में पहुंचे हैं। किसानों ने पूर्व मंत्री अनिल विज का स्वागत करते हुए किसानों पर गोली चलाने वालों पर कार्रवाई की मांग की, तो वहीं पूर्व मंत्री अनिल विज ने अम्बाला से बीजेपी प्रत्याशी बंधु कटारिया के लिए गांव पंजोखरा साहिब, खतौली, मंडौर, जनेतपुर, बरनाला, टुंडली, तुंडला, कलरहेड़ी में कई स्थानों पर चुनावी सभाएं की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे और चंडीगढ़ के एक निजी होटल में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान उनके साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान भी मौजूद रहे। साथ ही कांग्रेस के चंडीगढ़ से उम्मीदवार मनीष तिवारी, कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 40 साल से मनीष तिवारी की इच्छा चंडीगढ़ से लड़ने की थी, इस बार पूरी हो गई है। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष ने विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। ताकि आपसे मिलके चंद बातें
मैं अपने पार्टी की ओर से बताना चाहता था। और यहाँ हमारे जो उम्मीदवार है मनीष तिवारी साहब, 40 साल में कोशिश कर करके यहाँ पर पहली बार कंटेस्ट कर रहे हैं, तो उनकी इच्छा थी यहां से लड़ने की, लेकिन वो हो नहीं सका। लेकिन इस बार वो इच्छा पूर्ति हो गई है। हमारे पास दूसरे काबिल लोग भी थे, लेकिन अल्टीमेटली हमने पार्टी ने सोचा कि इस बार हमारे तिवारी साहब को यहां से लड़वाना, तो वो लड़ रहे हैं। लेकिन ये हरियाणा एक ऐसी जगह है नानौद में। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कस्बे की अनाज मंडी में कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जिला पार्षद सुखबीर संधु ने अपने समर्थकों सहित कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि गठबंधन की सरकार बनने पर हर वर्ग के लोगों को सुविधा दी जाएगी। आज प्रदेश की 36 बिरादरी के लोग मन बना चुके हैं कि एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है। हमने प्रदेश में 2014 में जब सरकार छोड़ी थी तो प्रदेश रोजगार, पूंजी निवेश, विकास के मामले में नंबर वन था, लेकिन आज प्रदेश बेरोजगारी, महंगाई और अपराध में नंबर वन है। इसके साथ ही बीजेपी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा गुम हो गया है। वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने आगे कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा किया है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। हमारे जमाने में बेटी जन्मे तो मातम होता था, पर हमारे समय तो हरियाणा में बेटी बचाने वाला है, उसे पढ़ाने वाला है, उसकी दिन रात रक्षा करने वाला है, और तो और उसका ब्याह करवाने वाला तक बैठा है। नसीब वाली हो सब, तुम्हें वोट के बदले मोदी मिला, तारीफ ही करती रहोगी या जाकर वोट भी डालोगी मोदी को? जा रहे दादी जा रहे। अरे मुझे भी तो ले चल। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। बीजेपी ओबीसी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने इंद्री हलके के दर्जनों गांव का दौरा किया और बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल के पक्ष में वोट देकर भारी मतों से जिताने की अपील की। बता दें कि पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज का चुनावी प्रचार के दौरान गांव ननहेड़ा में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के समर्थक और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान गांववासियों को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने कहा कि विपक्षी पार्टियों का मुख्य उद्देश्य जात पात की राजनीति करना और एक दूसरे को आपस में लड़ाना है। ये लोग देश को कमजोर करना चाहते हैं। इनके पास ना तो कोई विचारधारा है और ना ही कोई नेता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विजन लेकर चल रहे हैं और उनका लक्ष्य 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। देखिए चुनाव है और चुनाव में पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को आज मोर्चे पर डटने के लिए पार्टी ने आदेश किए हुए हैं। मैं हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी मोर्चे का प्रदेश का अध्यक्ष हूं।
और इंद्री से मैंने पहले चुनाव लड़ करके मैं यहाँ से चुनाव भी जीता था, तो मेरा फर्ज भी बनता है कि मैं अपने प्रत्याशियों के देवर में जगह जगह जाकर के चुनाव प्रचार करूं और ज्यादा से ज्यादा अपने ओबीसी समाज को और अपने सभी साथियों को जो है ज्यादा से ज्यादा मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने के लिए उनको प्रेरित करूं। फरीदाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी व केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में पिछले सवा दो महीने से उनके दौरे लगातार जारी हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस बार छत्तीस बिरादरी ने यह तय कर लिया है कि लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड वोटों से जिताना है। वहीं उन्होंने कृष्णपाल गुर्जर ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के हरियाणा में सरकार बनाने की बात पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस पार्टी देशभर में आधी सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। पूरे सवा दो महीने हो गए दौरों को और माहौल आप एक तरफा माहौल है। आज भी कुछ की तमाम सरदारी ने तरफा समर्थन दिया है, तो बिल्कुल मैंने पहले भी कहा था मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, एनडीए 400 से ज्यादा सीटें ले रहा है, बीजेपी 370 से ज्यादा सीटें ली है और फरीदाबाद लोकसभा में भी इस बार 36 बिरादरी ने तय कर लिया है पहले से ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी यहां पर लोकसभा का चुनाव जीती। जेजेपी के विधायक राम कुमार गौतम ने कहा कि नायब सैनिक को अच्छे सीएम है लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज भी सुपर सीएम है। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्र और देश हित के लिए मोदी सरकार ने काफी काम किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को देश से कोई लेना देना नहीं है। उसने सोचा अभी जड़ इसकी बची हुई है, गुजरात में खा गया और उसके बाद गोवा में खा गया, यानी इसके साथ तो जान पहचान करना ही नुकसानदायक है, समझौता करना तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। और कितनी बुरी बात है, एक गुरपतवंत अनु है, उसने कहा कि इसको हमने 1300 करोड़ रुपया दिया था, हमारा एक बुल्लर है आतंकी खालिस्तानी, इसको छुटवा दे, डील हुआ था। एक और ने एलिगेशन लगाया था, वही उस सिख फॉर जस्टिस खालिस्तानियों ने, कि भाई $16 मिलियन अपने। दीपेंद्र हुड्डा ने बादली में चुनावी प्रचार के दौरान राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। उन्होंने राहुल गांधी को मेहनती नेता बताया और देश की जनता के बीच रहकर राहुल गांधी जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही तय करती है कि किसे प्रधानमंत्री बनाना है और किसे मुख्यमंत्री बनाना है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जहां सभी पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार के लिए अलग अलग तरीके अपना रही है, वहीं बीजेपी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार से कांग्रेस पार्टी की लीगल टीम पूरी तरीके से नाराज है। कांग्रेस पार्टी की लीगल टीम ने प्रेस वार्ता करते हुए फरीदाबाद से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर और उसके कार्यकर्ताओं पर शहर में गलत तरीके से प्रचार करने के साथ साथ आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप लगाए हैं। आप बता दें कि लीगल टीम के पदाधिकारी ने बताया कि बीजेपी के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर नगर निगम की एडवर्टाइजमेंट पॉइंट पर इलीगल तरीके से पोस्टर बैनर लगा रहे हैं। मकसद ये है कि जो बीजेपी कैंडिडेट के फेवर में जो ये इंस्टॉलेशन हुई है विदाउट परमिशन, ये सारी की सारी जो होर्डिंग्स लगी हैं और मतलब वायलेशन हुआ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, तो उसके लिए बुलाइए कि भाई वो इलेक्शन कमीशन जो है और डीसी साहब जो है इसको निष्पक्ष तौर पर अशोर करें जनता को। तो आपको ये लगता है कि इलीगल तरीके से जो है वो पोस्टिंग और जो होर्डिंग वगैरह वो जो बीजेपी वो मुझे ये
बल्कि ये बात तो लोगों की तरफ से आई है शिकायत कि भाई इस तरह की जो बातें हो रही है अंदर से और प्रशासन से भी। देखिए सरकारें आने जानी रहती हैं, सरकार कभी एक किसी पार्टी की स्थायी नहीं रहती है, और आप लोग जो है एग्जीक्यूटरी बॉडीज हैं, आप लोग एग्जीक्यूशन में हैं, जो भी कानून बनते हैं उसके एग्जीक्यूशन का काम है आपका, तो आप कृपया इसको निष्पक्ष तरीके से आप कीजिए। हमारी हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह है प्रशासन से क्योंकि सरकार आज बीजेपी की है, कल कांग्रेस की हो सकती है, परसों किसी और थर्ड पार्टी की भी हो सकती है। नूह जिले में जनप्रतिनिधि संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर महिपाल डांडा ने शिरकत की, जिसमें महिपाल डांडा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने गरीबों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी के लोकसभा के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह को वोट देने की अपील भी की है। प्रदेश में भी और देश में भी हम लोगों ने पहले कहा कि 400 पार होगा। हरियाणा में भी 10 की 10 लोकसभा की सीटें हम लोग जीत रहे, कहीं कोई कति संख्या नहीं है, संशय नहीं है। कुछ लोग अनर्गल बयानबाजी जरूर करते हैं कि जी 8 आएंगी भाजपा की, 9 आएंगी भाजपा की, 8-9 नहीं आएंगी, 10 की 10 आएंगी। इस तरीके का लोगों को जो सरपंच है, सरपंच को किस तरीके आपके सामने हर सरपंच ने मुझे आश्वस्त किया है, जिला परिषद के लोगों ने आश्वस्त किया, ब्लॉक समिति के लोगों ने आश्वस्त किया कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। पहले हम लोग नहीं थे, अब हम बीजेपी के साथ हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bas, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. Gana. Download hua? Nahi, par tab tak main idli banati hu. Humne banaya git se. Chacha, naukri lag gayi hai. दो कड़क चाय बना मोदी दो। जैसी कड़क चाय ना, जब पानी उबालता हूँ तो भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जात पात सब खत्म हो जाते हैं, और जब अदरक कूटता हूँ तो समझो चमचों और बिचौलियों की कुटाई हो रही हो। मेहनत की आग में चाय पकती है, सारे खर्चियाँ और पर्चियाँ छन के अलग हो जाती हैं। अभी तो हरियाणा के युवाओं को मेरिट पे नौकरी मिल रही है। मोदी जी को वोट देने का कड़क रीजन दे दिया चाचा ने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका, रुख करेंगे खबरों की ओर। चरखी दादरी से किसान सभा के नेतृत्व में विभिन्न संगठनों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। किसान नेता राजू मान ने आगे बताया कि बीजेपी सरकार में लगातार आमजन बहुत दुखी है। हमारे जिले की महिला पहलवान बेटियों ने सराहनीय प्रदर्शन करते हुए देश का नाम रोशन किया, वहीं बीजेपी सरकार में पहलवान बेटियों को न्याय पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घमंड में इतनी चूर थे कि उन्होंने संवेदना का एक शब्द नहीं जताया, और बॉर्डर के हालात आपके सामने रहे हैं, किस प्रकार बॉर्डर पे बड़ी बड़ी लोहे की किले गाड़ दी गई, कहीं खड्डे खोद दिए गए, कहीं बड़े बड़े कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी गई, और यहाँ तक कि किसान आंदोलन पार्ट 2 जो था उसमें पंजाब हरियाणा का बॉर्डर था, उस पर ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े जैसे दुश्मन देश पे बम डालते हो, ये हालात रहे। और एक नहीं अनेक बार किसानों पे लाठीचार्ज हुआ, इसके साथ हमारे देश की जो नामी ग्रामी पहलवान बेटी है उनके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ। दिल्ली की सड़कों पे जैसे उनको घसीटा गया, और जबकि वो कुछ नहीं, प्रधानमंत्री से इंसाफ मांगने गई थी, और प्रधानमंत्री जो कि नारा देते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पूरे देश को शर्मसार किया इस घटना ने।
फरीदाबाद में मोहन गांव पर बैठे धरना कमेटी के लोगों को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में यह आवाज चल रही है कि धरना कमेटी की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप को समर्थन दे दिया है, तो वहीं समर्थन पर पूछे गए सवाल पर धरना कमेटी के अध्यक्ष और सभी लोगों ने दो ठूक मना लिया है। धरना कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि यह धरना मोहन गांव में धरने पर बैठे पांच गांव के से चलाया जा रहा है और मोहन गांव पर ग्रीन एक्सप्रेस वे पर उतार चढ़ाव की मांग को लेकर वह पिछले 7 से 8 महीने से धरने पर बैठे हैं। उनके पास सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग आ रहे हैं, परंतु अभी तक कमेटी ने किसी भी पार्टी या उम्मीदवार को कोई भी समर्थन नहीं दिया है। देखो, धरना कमेटी की तरफ से जो किसी को भी बुलाया नहीं गया था और जो किसी को भी समर्थन नहीं था, वो तो हमारी जो है जो हमारे पालों के जो सरदार हैं उनकी पंचायत थी, उन्होंने उनके ही ऊपर हमने छोड़ दिया था। जो भी फैसला ये निर्णय लेंगे वो ही जो है स्वीकार होगा। हम तो समर्थन को तो हमें तो जो ला देगा साहब नहीं, हम तो वादे थे समर्थन। क्या अभी तक कोई समर्थन हा? दिया गया ना, हमने हम तो जब देंगे ऐसी देंगे समर्थन जो याद करे कर यानी कह तो हमारा कट मिल जाए जल्दी में, हमें ऐसा समर्थन दे दिए सदा को। उसका मतलब अभी कोई समर्थन नहीं दिया गया है? हाँ, समर्थन तो वादियों पर देंगे भैया। इसमें सारी गलत है, हमने किसी को समर्थन नहीं दिया, ये अफवाह उड़ाई जा रही है, हमारे धरने को बदनाम किया जा रहा है। हाँ, इसमें किसी को हमने अभी तक समर्थन नहीं दिया, किसी को कोई समर्थन नहीं, कोई समर्थन नहीं है। चुनाव आयोग में लेटर भी गया आपकी तरफ से धरना कमेटी की तरफ से कि हम किसी पार्टी को समर्थन नहीं दे रहे? नहीं दे रहे। अच्छा, हाँ जी, तो वैसे हवा बना, वैसे ही हवा बना जी, हमारे धरने को खराब करने के लिए है। हर खबर हरियाणा देख रहे थे आप, और फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।